भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार, ऐसे समय में लालू यादव जी के साथ पूरा देश ही नहीं पूरी सरकार भी खड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ सबकी दुआएं उन्हें अविलंब स्वस्थ करके हम सब बीच। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हो रहा है, ऐसे में बता दें आपको कि अब लालू यादव की सेहत को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना पहुंचते ही ये कहा कि लोगों के दुआओं का असर है, क्योंकि लालू यादव गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, गरीबों के नेता कहे जाते हैं। ऐसे में वो जैसे ही बीमार हुए लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और यही वजह है कि अब लालू यादव के साथ भगवान का आशीर्वाद है। ऐसे में क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने लालू यादव की सेहत के बारे में, सुनवाते हैं आपको। भैया हम तो इतना ही जानते हैं कि उन्होंने हमसे हालचाल पूछा, पेन उनको ज़्यादा है बट नेचुरल है। इस उम्र में तीन तीन जगह फ्रैक्चर हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी स्वास्थ्य के साथ उनकी उपस्थिति नाम मात्र ही देश के राजनीतिक संकट के बीच होना आवश्यक है। और वर्तमान समय में जब कई सारे विरले नेता कंप्लीट रूप से, जिनकी भूमिका इस देश के सामाजिक सोशल जस्टिस या जेपी लोहिया गांधी के विचारों पर चले, बहुत सारे लोग चाहे रामविलास जी हों, बिहार के शरद जी हों, बहुत सारे लीडर जो रहते हुए भी राजनीतिक रूप से अलुप्त हो गए, कुछ लोग नहीं हैं, उस वक्त लालू यादव जी का हम सब के बीच में रहना बहुत ही आवश्यक है। हम सुकून से कह सकते हैं कि वो लगातार स्वस्थ हो रहे हैं, बस परहेज के साथ बेस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है। उनके पूरे परिवार के लोग, उनकी 6 बेटियां और उनके शुभचिंतक कंप्लीट रूप से उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खड़े हैं, भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार। ऐसे समय में लालू यादव जी के साथ पूरा देश ही नहीं पूरी सरकार भी खड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ सबकी दुआएं उन्हें अविलंब स्वस्थ करके हम सबके बीच लाएं।